मैं हुण जीवां के मर जावां। मैं आया था ना आपके घर, आपके बाबा से बदतमीजी की थी मैंने। क्यों की थी? क्योंकि मैं बुरा आदमी हूं, आपके बाबा नहीं। हम तो इंक्वायरी कर रहे थे लेकिन विक्टिम ने केस वापस। आई एम सॉरी मैडम, आप लोगों ने ये कैसे डिसाइड कर लिया बगैर इंक्वायरी के कि कौन विक्टिम है और कौन एक्यूज्ड? कल वो कुछ ऐसा करके आया है कि अब उसे इस गिल्ट से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। एफआईआर कटेगी? क्यों, एफआईआर कौन कटवाएगा? दिस इज माय रेजिग्नेशन, मुझे इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। जब इंक्वायरी कमेटी के सामने आना होगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं नाराज हूँ मराना, और इस घर पर और मुझ पर मिनाल का अभी भी वही हक है जो पहले था। बिल्कुल, इतनी मुश्किल से मैं सब कुछ भुला के जिंदगी की तरफ वापस आई, उसे मुझे फिर वही खड़ा कर दिया लाकर। मैं हुण जीवां के मर जावां। अलग हो जाओ। क्या मतलब अलग हो जाओ? मैं नहीं चाहती कि मिनाल को उस गुनाह की सजा मिले जो उसने किया ही नहीं है। तुम्हारे अबू की और बाकी सब लोगों की नजर में मिनाल गुनहगार है तुम्हारे और अमल के रिश्ते को खत्म करने की। और ये मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि तुम्हारे अमल से शादी से इनकार करने की वजह मिनाल हरगिज नहीं है। वजह जो भी है मैं नहीं पूछूंगी। मैं माँ हूँ तुम्हारी, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम डरते नहीं हो किसी से, और अगर वजह बताना चाहते तो सारी दुनिया को बता सकते थे। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दूसरों की फिक्र करने के मामले में बेलॉस भी हो, और वजह ना बताने के पीछे यही फिक्र।
अगर आपको ये बातें अब्बू ने बोली हैं तो मुझे मसला नहीं है, मैं घर छोड़ के जा सकता हूँ। नहीं, फिलहाल तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैं यही चाहती हूँ कि ये नौबत ना ही आए तो बेहतर है। गलत नहीं समझना बेटे, ठंडे दिमाग से मेरी बात पे गौर करो। अगर दूर रहकर रिश्तों को बचाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। यूनिवर्सिटी वाले केस ओपन कराने के हक में नहीं थे, वो तो बलाओ प्रोफेसर अंजुम का, जिन्होंने पुलिस को दरखास्त दी, उन पर प्रेशर पड़ा तो केस दोबारा खुलने का हुक्म हुआ। इसका कुछ पता चला जाकर भाई? जी वो यही तो बताने आया था जो भूल गया मैं। देख लिया घर मैंने, आप भी एक दफा चल के देख लें आपके हिसाब से कैसा रहेगा। मेरे और गाना के हिसाब से तो अब यहाँ से कुछ भी बेहतर रहेगा। कब देख सकते हैं? मैं बस मालिक से एक दफा मुलाकात कर लूं, फिर आपको इतला कर देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके जरूर। जी जी बेहतर। थैंक यू। क्या हो गया भाई, गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों ना हो गुस्सा, शादी के बाद घर छोड़ते हैं तो वापस भी लेने आना होता है। मुझे तो लग रहा है तुम मुझे भूल ही गए हो। You never know, क्या पता ऐसा ही हो। ठीक है, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें वापस आके याद दिलाऊंगी। अच्छा बाय।
तुमने तो कहा था खेलूंगा नहीं, बसात पलट दूंगा। मेरे कमरे में क्या कर रही? बात कर रही हूं ना। खेलो, मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश ना रह जाए। जी अस्सलाम वालेकुम राहिब, एनी अपडेट? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक, तुम तो ऐसे गई हो, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। इरादे नेक हैं, आज आ जाऊंगी घर। अच्छा वाकई? तो हैदर को हुक्म दे दूंगी तुम्हें पिक करने आ जाए। नहीं, उसे नहीं कहना, और नहीं मैंने कहा है। हैदर को सरप्राइज दूंगी, उसे मैंने कहा है कि कल आऊंगी घर। अच्छा भाई, नहीं करती तुम्हारा सरप्राइज खराब। अभी क्या कर रही हो? अरे भाई, हार्ट अटैक हुआ था उन्हें, इंतकाल हो गया उनका। अच्छा, जल्दी करो, तुम्हें कॉल बैक कर लूंगा। क्या होता है वो, सब खैरियत है? हाँ बेटा, वो हमारे एडमिन मैनेजर इस्माइल साहब, उनको हार्ट अटैक हुआ था, अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में इंतकाल हो गया उनका, और वहीं जा रहे हैं। मगर ये तो घर पे अकेली रह जाएगी। सब आप घर पे रुके, मैं अकेला हुआ था। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं था, वो आप ले जाता है अम्मी को, साथ में रहने की कोई मसला नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे घर में अकेले आपको? अरे मैंने कहा ना, आप लोग फिक्र नहीं करें, आप रुक जाएं। आयशो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, फिर कोई भी बात हो, कोई जरूरत हो, मुझे कॉल करना, मैं आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, आइए। अमल को बुलाया था यूनिवर्सिटी, इंक्वायरी दोबारा होगी। लेकिन किसी ने इंकार नहीं कर दिया था। प्रोफेसर अंजुम, एफआईआर कटवाने थाने चली गई थी।
एसएचओ ने वीसी को बुलाकर बात की तो खोलनी पड़ी इंक्वायरी। मगर सायरा भाभी अब ये जंग लड़ना नहीं चाहती। जाहिर है जिन हालात में सायरा और हना रह रहे हैं, कैसे हिम्मत होगी वो जंग लड़ने की? तुम गए थे मिलने? माफी मांग कर आए। लेकिन खुद को नहीं माफ कर सका। मुझे लगता है मेरे गुनाह का अजारा तभी होगा जब मुकम्मल इंसाफ होगा। इधर इसमें तुम्हारा काफी नुकसान हो सकता है। नुकसान की फिक्र नहीं है जफर भाई। जो हाल प्रोफेसर हुमायूं का हुआ है उसके बाद मैं बहुत कुछ संभाल सकता हूँ। तुम समझ गए हो जानकर बहुत अच्छा लगा। बेफिक्र हो जाओ, जो इंसान अपर सच के लिए अपना नुकसान करने को तैयार हो जाए उसका नफा खुदा अपने जिम्मे ले लेता है। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में हूँ। क्यों? अच्छा, आप गए नहीं? तायबू ताइमी को तो गए हुए बहुत टाइम हो गया। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा काम था, मैं बिजी था इसलिए। ऐसा भी क्या काम था? तायबू इतने दुखी थे उस वक्त। हाँ जानता हूँ, इस्माइल साहब बहुत अरसे से हमारे साथ हैं, 15 साल से, तो अबू ने तो दुखी होना था। तो कितनी बुरी बात है, आपको जाना चाहिए था ना। तायबू बहुत नाराज होंगे। हाँ चाहता हूँ, बस ऑफिस का काम खत्म करके फौरन जाऊंगा। अच्छा, तुम घर में अकेली हो? हाँ। ऐसा करता हूँ, ड्राइवर भेज देता हूँ, तुम चाचू के घर ड्रॉप हो जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तायबू को बता दिया कि मैं घर में ही हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। मैं वहां से होकर फिर जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हम निकल गए रास्ते में। कहाँ रहेगा हैदर?
हिसाब पलटने का वक्त हो गया। क्या करना चाह रही हो? क्या था ये? देखते रहो। मैं हुन जीवा के मर जावा। हाय। अजीब बात है हैदर, इस घर का दरवाजा आखिरी बार भी मैं ही तुम्हारे लिए खोल रही हूं और आखिरी बार बंद भी मैं ही करूंगी। तुम पर जो एहसान किया था ना मैंने, गले पड़ गए मेरे। बहुत एहसान फरामोश हो तुम। एहसान तुम्हें मेरा मानना चाहिए, तुम्हारी सच्चाई दुनिया को नहीं बताई मैंने। ये हैदर पसंद है मुझे, जो जिद में अना में कोई लगी लिपट नहीं रखता, जो है मुंह पे बोल देता है। लेकिन अफसोस अब तो वो हैदर ही नहीं रहे। जब जंग लड़ने की बारी आई तो कंधे इस्तेमाल करने लगे। अच्छा होता है हैदर अगर लड़ाई में भी तुम कोई लगे लिपटी नहीं रखते। बकवास। रुको, बात कर रही हूं मैं। जो कुछ था अपने और मेरे बीच में रखते ना, क्यों नहीं अपने मेरे बीच रखा? हाँ बोलो। तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और तुम प्रोफेसर हुमायूं की कातिल हो, दैट्स इट। हाय प्रोफेसर हुमायूं बेचारा, कितना बेवकूफ आदमी था यार। मैंने उसे कितना समझाया कि तुम्हारे खिलाफ ना बोले, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन ना करे, वापस ले ले, लेकिन नहीं, ईगो। उसको समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूं। मुझे कहता कमरे से बाहर निकलो, मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, मैंने कमरा अंदर से लॉक कर लिया। ये क्या कर रही हो, पागल हो गए तुम? हाँ दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे मेरा तुम्हारे अलावा इस घर में भी कोई नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हें सारी कहानी सुना रही हूं कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी हमदर्दी है वो भी ना रहे,
और हम एक फेयर जंग लड़ सके, समझ आई? आ गया। पता है इधर पे मैंने क्या किया? मैंने उसके कमरे का गुलदान तोड़ा। क्या हुआ, घबरा गया इधर? प्रोफेसर भी इसी तरह घबरा रहा था। उसको लगा कि तो पागल हो गई है। खैर मोहब्बत में तुम्हारे पागल तो थी मैं। कोई किसी के लिए सत्ता कैसे जा सकता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही भूत बन के मुझे देख रहा था और ऐसे भी तुम देख रहे हो। बिल्कुल ऐसे। पीछों की बात करो। डर रहा है? डर बस इतनी जल्दी डर गए? पीछे पीछों की बात करो। और फिर साथ पलट गई। क्या करना चाह रही हो? क्या था ये? देखते रहो। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। अमल ये झूठ बोल रही है। मेरा भरोसा करें चाहे, मैं सिर्फ यहां पर आया था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहीं पे खड़ा था। मुझे ऐसे लगा, मुझे ऐसे लग के चले। अमल 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 सच बताओ, अपने माँ बाप को तुमने किया है? मैंने कुछ नहीं किया चाचू, ये भरोसा करें, मेरा झूठ बोल रही है। इसी ने किया सब कुछ, झूठ बोल रही है ये। सर बाहर से आया था, यहाँ पर खड़ा था, ये सब कुछ इसने तोड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया है। आपके वास्ते भरोसा करें, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, मेरा भरोसा करें, खुदा की कसम खा के बोलो, किसने किया? झूठे आंसू में झूठ। मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। तेरी गलासत अपनी आंखों से देख रहा हूँ मैं, तू छुटला नहीं सकता उसे। तेरी जिंदगी मुझे अपनी आंखों से नजर आ रही है। क्या है? झूठ बोल रहे हो सत्ता से? क्या हुआ चाचू? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या हुआ? क्या मत टूट पड़ी यहाँ पे? देखो उसे, तुम्हारी बीवी इसकी तरंदी का निशाना बनी है। की बात सुन,
बात करते हैं, चुप बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहीं पे खड़ा था। तेरा भरोसा कर, भाई हूं मैं तेरा यार। मैंने कुछ नहीं किया, अरे समझे? मैं यहीं पे खड़ा था। जो भी मेरा शरीर है ना सर, जो भी आचारी, जो भी आचारी, जो भी आचारी, सभी पेट में बना लाज, चुरो से, चुरो, भाभी आचारी, भाभी आचारी। जाओ तुम यहां से, निकलो घर से, जाओ यहां से, जाओ जाओ। देख क्या रहा, हाँ बस कर दो, बस। बस रास्ता चलने वाले तो बस धूल उड़ाते रहते हैं। इश्क में उसकी हालत क्या है, जाने कौन मुसाफिर को। दिल नुए हुंदा मलाल रब्बा, मैं हुण जीवां कि मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां। आज कोई और नहीं, मैं खुद कसूरवार हूं अपनी बेटी का। ये मेरा कसूर है कि मैंने अमल के मामले में एक बार नहीं, तीन बार आप पे भरोसा किया। भाईजान, पहली बार जब आपने अमल के लिए हैदर का रिश्ता दिया, मैंने कबूल किया, गलती की। दूसरी बार जब उसने मेरी बेटी का सारी दुनिया के सामने तमाशा बनाया, रिश्ते से इनकार किया, उसके बावजूद मैंने सफीर का रिश्ता उसके लिए कबूल किया, फिर गलती की। तीसरी बार ये जानते हुए कि इस घर में वो हैदर मौजूद होगा, मैंने आपके वादे में भरोसा किया कि मेरी बेटी इस घर में महफूज रहेगी, फिर गलती की। जिस घर में हैदर जैसा हैवान मौजूद हो, वहां किसी की बहन बेटी की इज्जत कैसे महफूज रह सकती है?
हैदर कहाँ है? चला गया, अमल की इज्जत पे हमला करके चला गया। अपनी हवस का निशाना बना चुका होता उसे अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो। आंटी, मैं अमल से अकेले में बात कर सकती हूँ? ये सब हैदर ने? मैं हुण जीवां के मर जावां।